सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत दिन बाद मेरे बच्चों ये मौका मुझको मिला है कि मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल टिप्स दे सकूं। तो सवाल ये है कि अगर मैं मोटिवेशन के बारे में बात करूं तो ये मोटिवेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, प्लीज मैं आप लोग से जानना चाहूंगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला दैट आई एम अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर ऑल्सो, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बच्चा ये समझ जाएगा कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ड्रेस कोड, बॉडी लैंग्वेज, अटाया, पोस्चर, जेस्चर, काफी चीजें हैं। तो मैं एक एक करके आप लोगों को पहले कुछ चीजें सिखा देता हूं और फिर मैं आप लोग से कुछ चीजें पूछूंगा भी। नंबर वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉडी पोस्चर? पोस्चर मींस द वे यू सिट, द वे यू स्टैंड, द वे यू वॉक। अभी अगर मैं क्लास में देखूं तो किसी का भी बॉडी पोस्चर मेंटेन नहीं है। इसके बल पे आप नहीं बैठेंगे। सिट स्ट्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ देखा, पूरी क्लास हिली, इसका मतलब आप गलत बैठे थे। दिस इज कॉल्ड पोस्चर। स्पेसिफिकली इन माय क्लास, स्पोकन इंग्लिश क्लास, मेंटेन दिस डिकोरम ऑफ सिटिंग प्रॉपरली। सिट लाइक एन आर्मी मैन, सिट लाइक अ सोल्जर, दिस इज कॉल्ड पोस्चर। जेस्चर्स क्या होते हैं? जेस्चर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई इंटरव्यू देने गए, उस इंटरव्यू में आपने क्या किया, घड़ी घड़ी ऐसे कर रहे हैं, इसको कहते हैं नेगेटिव जेस्चर्स। क्या पता आप ऐसे हाथ उठा उठा उसके सामने बात करने लगे इंटरव्यूअर के सामने, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव जेस्चर मेरे बच्चों। क्या पता आप इस तरीके से यू यू करने लगे, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव जेस्चर। बात समझ गए? कई बार मैंने देखा है जिसको घबराहट होती है वो जाते ना करता रहता है, ये देखना, ये गलत है, क्योंकि उसके होंठ सूख रहे हैं, इसका मतलब वो उनको एक तरीके से गीला करना चाह रहा है, जिससे कि उसका मुंह सूख रहा है, वो मुंह सूखना पता चल जाता है सामने वाले को, ये भी एक नेगेटिव जेस्चर है। आंखें ब्लिंक करना बार बार, ये देखो ये घबराहट की निशानी होती है, नर्वसनेस की। तो ये हो गया दो चीजें, पॉस्चर जेस्चर। अब आते हैं हम लोग ड्रेस कोड। भाई ड्रेस कोड के लिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग समझदार खुद ही हैं। जो आपका रंग है उस हिसाब के कलर पहनिए। आपको लगता है सांवले हैं आप, आपको लगता है ज्यादा डार्क है, आपको लगता है आप फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं, तो उस हिसाब के कलर पहनिए। ये इंडियन कल्चर है, थोड़ा इंडियन कल्चर को भी मद्देनजर, बाकी आपका मन। मैं एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूं, मैं किसी की निजी जिंदगी में, आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू पर्सनल एग्जाम्पल्स, आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली टॉक अबाउट द सोसाइटी एंड कल्चर। समझ गए? अब हम लोग आते हैं सबसे मेन चीज मोटिवेशन पे, जो सबसे मेन में बात करने जा रहा था। टाइम इज मनी। आप लोगों के लिए मेरा एक सलाह है, एक सजेशन है कि टाइम के हिसाब से नौकरी और टाइम के हिसाब से पढ़ाई बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट करेगी भविष्य में, क्योंकि मैं जो गलती कर चुका हूं वो अपने बच्चों को नहीं करने दूंगा। मैं 12वीं तक उन लोगों के साथ क्रिकेट खेलता था जिनकी बॉल, अगर लेदर की बॉल पड़ती थी तो उसमें से आवाज आती थी इतनी तेज, लेकिन मेरे अंदर इतना जज्बा था कि मैं उनके साथ आडेसो की मेन पिच पे खेलता था, लखनऊ के आडेसो ग्राउंड पे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि तरुण सर की क्रिकेट की टीम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी, लेकिन मैं एक चीज भूल गया था कि क्या वही एकदम मेरा सपना है? क्या मेरे परिवार के पास इतना बजट होगा कि मुझको क्रिकेट की अकेडमी में ज्वाइन करा सकते हैं? शायद इन सबको मैंने मद्देनजर रखा ही नहीं, और 2400 घंटे खेलना, इतना तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं जितना मैं क्रिकेट खेलता था। पढ़ा तो मैं केवल 14 घंटे रहा हूं दिन में केवल, और क्रिकेट तो मैंने नाइट में भी खेला, लेकिन उसका भुगतान करना पड़ा। क्यों? एक दिन देखा सारे धीरे धीरे कल्टी होते चले गए दोस्त, 11 की टीम आ गई 8 की, 8 की टीम 6, भाई कहां जा रहा है रणविजय मेरे दोस्त? अरे तरुण भाई पॉलिटेक्निक का पेपर है यार, तुमको क्या ले ओ, लो, लो, रह गया हूं। सही समय पर कोर्स करना, सही समय पर पढ़ाई करना,
सही समय पर कॉलेज में दाखला और सही समय पर सरकारी नौकरी की तैयारी, और यदि आपको लगता है कि आप पढ़ाई में उतने तेज नहीं हैं मेरे बच्चों, और आपसे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट दिक्कत, जनरल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट दिक्कत, और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट नहीं उतनी अच्छे लेवल पे संभाले जाएंगे, तो बेटा प्राइवेट नौकरी पे उतर आओ, प्राइवेट नौकरी पे उतर, उसके साथ साथ पढ़ाई करो। अगर आपको लगता है मेरे अंदर, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने परिवार वालों को बताना चाहूंगा कि उन्होंने जबरदस्ती मेरे को बैंक पीओ की कोचिंग कराई, मैं समझाते समझाते हार गया कि मेरी मैथ्स मैं एलसीएम एचसीएफ नहीं ढूंढ पाऊंगा मैं, लेकिन क्या करें, मेरे में अंदर हिम्मत नहीं थी बताने की, मुझे लगा चलो तो यही होता होगा मार्केट में भी गारंटी। और मैं क्या करता था, रोज टी शर्ट बदल बदल के चलो बैंक की कोचिंग, जिस चीज में लग्न नहीं कैसे हो पाएगा, मैंने हिम्मत करी होती उस समय तो शायद वो भी समय वेस्ट ना होता। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, आई एम तरुण सर योर मोटिवेशनल ट्रेनर। आप लोग मेरे से यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज तो मैं काफी संस्थाओं को भी थैंक्स कहना चाहूंगा, ये सारी संस्थाओं ने भी मेरी बहुत मदद करी है इस सफर में, और मेरी स्ट्रगल की जो कहानी है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। खासकर आप लोगों को बहुत जरूरी है ये जानना कि आज मैं अपने आप को इतना परेशान 15-16 घंटे पढ़ा के इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो पुरानी गलतियां अभी भी ताजा हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच।